नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं आपको एमपी करंट अफेयर्स और प्लस स्टैटिक जीके जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेगी। दरअसल जो एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके पूछी जाती है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहती है। जिस जगह से आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है वहीं से जो स्टैटिक पोर्शन रहता है वहीं से पूछा जाता है। तो ये आपके किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मध्य प्रदेश की एमपीएसआई पटवारी, एएसआई जो ग्रुप 4, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, टीओ, ठीक है, तो इन सब के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए आपको लाभदायक सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से जो है वो देखना है। और चलिए, तो आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के पहले महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई। मध्य प्रदेश का पहला है क्या है, महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, रायसेन या विदिशा। तो ये रायसेन में की गई है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और रायसेन की अगर हम बात करें तो रायसेन में जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके है जैसे कि बात की जाए, यहाँ पर जो है वो सांची के स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है, जो किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो बनवाए गए थे। और इनको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1989 में किया गया था, याद रखना है। वहीं हम बात करें दूसरी जो यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थान है, भीम बेटका जो बात की जाए, ये भी रायसेन में पड़ते हैं। और इसको जो है वो 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। और यहीं पर आपकी करंट अफेयर्स याद रखना है, डेकन सोनिया नाम के फॉसिल जीवाश्म पाए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर जो है ये भीमबेटका की गुफाओं में जो है पाए गए थे। आगे बात की जाए तो यहाँ पर जो सोमनाथ कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर, ये दरअसल जो है वो भोजपुर में है। तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ, जैसे बात की जाए कि अगर भारत की हम बात करें तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे मध्य प्रदेश का पूछ लिया कि किस मंदिर को जो है वो सोमनाथ, मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर कहा जाता है, तो ये भोजपुर का है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये शिव जी को समर्पित है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 85 फीट ऊंची आदि देव से प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया। टीकमगढ़, दतिया, भिंड या मुरैना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, भिंड जिले में किया गया। कहाँ पर, रावतपुरा पे, ठीक है, रावतपुरा। तो ये जो है वो 85 फीट ऊंची आदि देव से प्रतिमा है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और वहीं भिंड में एक बात की जाए, वन खंडेश्वर का मंदिर है, जो कि बात की जाए किसके द्वारा, पृथ्वी राज चौहान के द्वारा जो है वो बनवाया गया था वन खंडेश्वर का मंदिर। तो ये आपको याद रखना है। भिंड में जो है वो सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के बाकी जिलों की अपेक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। जनजाति कार्य विभाग, आदिम कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण विभाग या आदिम जनजाति विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जनजाति कार्य विभाग जो है इसका नाम बदल दिया गया है। ओके, तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदल के जनजाति कार्य विभाग जो है इसका रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर खेलो इंडिया गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। देखिए, 2021 के जो थे, दरअसल कोविड-19 की वजह से ये 2022 में खेले गए, तो लेकिन 2021 के, तो ये कहाँ पर, चंडीगढ़ में। ओके, अभी 2022 के जो होना है ये जो है वो भोपाल में आयोजित किए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और भोपाल में आपको पता हो तो वन विहार नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क हो गया। राजा भोज की नगरी के हम नाम से जानते हैं, राजा भोज की नगरी के नाम से भोपाल को जाना जाता है। और यहाँ पर बड़ा तालाब, ये भी जो है वो भोपाल में ही है, ठीक है, याद रखना। जैसे कि विधानसभा भवन हो गया, तो ये भी यहीं पर है विधानसभा भवन, ये सब जो है वो भोपाल में देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मध्य प्रदेश भोपाल की
यादव किस खेल से संबंधित हैं? घुड़सवारी, तैराकी, हॉकी या शूटिंग? तो चिंकी यादव जो कि कहाँ की हैं, ये भोपाल की हैं, और ये जो है वो शूटिंग से संबंधित है। ये करंट अभी न्यूज में काफी रही थी, याद रखना है, एक याद रखना है, ऐश्वर्य प्रताप। तो ये भी जो है वो किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। इन दोनों के नाम याद रखना है, ये दरअसल जो है वो खरगोन से संबंधित है, खरगोन जिले के हैं। ओके, तो याद रखना है इनको। बाकी आपको मलखम के जो प्लेयर हैं, योगेश मालविया, योगेश मालविया, तो इनका नाम भी याद रखना है, ये किससे? मलकम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कायाकल्प अवार्ड 2020-21 निम्न में से किसे पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ? जबलपुर, भोपाल, विदिशा या इंदौर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। पहले स्थान पर जो रहा वो जबलपुर रहा, दूसरे स्थान पर बात की जाए तो भोपाल, तीसरे पर रहा विदिशा। तो तीनों ही क्रम आपको याद रखना है। कायाकल्प मतलब वहां पर जो है अच्छा काम किया गया, उसकी जबलपुर की जो है वो स्थिति बात की जाए किसी भी क्षेत्र में देखी गई तो सबसे बेहतर यहाँ पर हमें देखने को मिला। जबलपुर की अगर हम बात करें, जबलपुर में आपको जो है वो भेड़ाघाट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो है वो धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलता है जो कि नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, मदन महल हो गया। ठीक है, और बात की जाए तो ये आपको हाई कोर्ट, ओके, जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, उसकी मुख्य पीठ जो है वो जबलपुर में ही देखने को मिलती है। रानी दुर्गावती का संग्रहालय हो गया, तो ये भी आपको जबलपुर में ही देखने को मिलता है। 81% जो है यहाँ की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश के बाकी जिलों के अनुसार साक्षरता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो याद रखना है जबलपुर इसका आंसर हो जाएगा कायाकल्प अवार्ड 2020-21 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रधानमंत्री श्रमिक योजना में देश में प्रथम स्थान पर रहा? डिंडौरी, हरदा, ग्वालियर या बात की जाए टीकमगढ़? इसका आंसर हो जाएगा हरदा जो रहा है, ये है मध्य प्रदेश में, बल्कि देश में ही, मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में प्रथम स्थान पर रहा। किस में? प्रधानमंत्री श्रमिक योजना में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर असरफी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जबलपुर, छतरपुर, धार या इंदौर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, असरफी महल हो गया, डोला महल हो गया, रानी रूप मती महल, जहाज महल, ये सभी आपको जो है वो धार में मिलेंगे। धार में कहाँ पर? मांडू में। मांडू को हम जो है वो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, यानी आनंद की नगरी के नाम से हम जानते हैं मांडू को। याद रखना है ये जो है वो धार जिले में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देश का पहला पूर्ण विद्युतकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है, इसका मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? किसका? पश्चिम मध्य रेलवे का। भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद या ग्वालियर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर। जबलपुर जो है यह पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है, याद रखना है। ये देश का पहला स्टेशन है जो कि विद्युत पूर्ण विद्युतकृत रेलवे जोन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हाल ही में आदिवासी गुड़िया को केंद्र सरकार द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग दिया गया है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडौरी या हरदा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, हरदा, जो सॉरी झाबुआ। झाबुआ में आपको पता हो तो कड़क नाथ मुर्गे की नस्ल को भी जो है वो GI टैग दिया गया था, तो ये भी आपको पता हो। ये दोनों ही याद रखना है, एक आदिवासी गुड़िया जो हाल ही में दिया गया है इसको, और एक कड़कनाथ मुर्गा, ये दोनों ही जो है वो झाबुआ जिले से संबंधित हैं। GI टैग जो कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरी मास्क मेरी सुरक्षा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा जो है मेरी मास्क मेरी सुरक्षा जो है वो ये शुरू किया गया, और ये किससे संबंधित है? COVID-19 से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिवपुरी, भोपाल, उमरिया या श्योपुर? ये हाल ही में करंट अफेयर्स में हमें देखने को मिला था, और इसको जो है नेशनल पार्क भी बनाया गया। पहले जो है वो ये अभयारण्य था, लेकिन अब जो है ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ये बन गया है, और इसकी बात की जाए तो ये शिवपुर में पड़ता है। शिवपुरी में बात की जाए तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है,
माधव राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आपको देखने को मिलता है, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिली। देखिए 2011 की जनगणना की बात की गई है, जनगणना जो है वो 10 वर्ष पश्चात होती है, यानी अभी जो है ना 2021 में हमें देखने को मिलेगी, तो अभी जो है ये हो रही है काउंटिंग, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिली है वो मिली है इंदौर जिले में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगर आपसे पूछ लिया है कि घनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो ये है भोपाल में, ठीक है, भोपाल में है। अगर आपसे एमपी का पूछ लिया जाए तो 236 जो है ये घनत्व है पूरे मध्य प्रदेश का। और जबलपुर में हमें देखने को मिली है साक्षरता सबसे ज्यादा, साक्षरता जो कि 81% लगभग, ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। भेड़ाघाट, महेश्वर, अनूपपुर या रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महेश्वर, महेश्वर में है ये। और ये किस पर है, नर्मदा नदी पर हमें देखने को मिलता है। नर्मदा नदी पर आपको एक तो सहस्त्रधारा जलप्रपात हो गया, ये दुग्ध धारा जलप्रपात है, जलप्रपात, ठीक है, एक हो जाता है धुआंधार जलप्रपात, तो ये भी आपको जो है वो नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है। रीवा में बात की जाए तो चचाई जलप्रपात है जो कि किस पर है, बेहड़ नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। रीवा, रीवा को हम किस नाम से जानते हैं, सफेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा महेश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल है। आनंदीबेन पटेल, कल्याण सिंह, मंगू भाई, छगन भाई पटेल या लालजी टंडन। तो अभी वर्तमान में पूछे गए हैं, वर्तमान का इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है ये अभी एमपी के गवर्नर है, ठीक है, याद रखना है। इससे पहले आनंदीबेन पटेल थी, लालजी टंडन का जो है इनका निधन हो गया है, तो अभी करंट में बात की जाए तो मंगू भाई छगन भाई ये जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। तो ये थे आज के प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपका कोई सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।